हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेली एक्सपेंस रिपोर्ट को कैसे मैनेज करेंगे। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पर आपको छोटे मोटे खर्चे जो आपको मैनेज करने पड़ते हैं, जैसे डेली के चाय का खर्चा या स्टेशनरी का खर्चा या जो भी और भी खर्चे होते हैं छोटे मोटे, या आपने कहीं मोबाइल रिचार्ज कराया है कंपनी का, या टेलीफोन का बिल पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, ये सब छोटे मोटे खर्चे जो है हम पेटी कैश में या डेली एक्सपेंसेस रिपोर्ट में जो है हम मैनेज करते हैं। तो आप कैसे मैनेज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, ये चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। अगर बाई चांस अगर आप कहीं जॉब भी नहीं करते हैं, अगर आप अपने पर्सनल खर्चे भी इस तरीके से मैनेज करना चाहते हैं एक्सेल के अंदर, तो वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम इस काम को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये शीट जो है ओपन करी हुई है, और इस शीट को सबसे पहले हमारा काम है सेव करना। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ एक्सपेंस रिपोर्ट के नाम से। ठीक है, आप भी सबसे पहले शीट को सेव कर दीजिए। अब यहाँ पर शीट जो है सेव हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपेंस रिपोर्ट के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है। अब सेव करने के बाद हमें इस वाली शीट के अंदर कुछ एंट्रीज़ वगैरह करनी है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट सेल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेंस रिपोर्ट डिटेल्स। अब यहाँ पे एक्सपेंस रिपोर्ट में हमें बहुत सारे जो है एट्रीब्यूट्स चाहिए होते हैं। जैसे सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो है सीरियल नंबर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सीरियल नंबर, उसके बाद डेट, यहाँ पे मैंने लिख दिया डेट। अब डेट के बाद हमें चाहिए डिटेल्स कि जो हम खर्चा कर रहे हैं उसे हम मेंशन करेंगे। रिमार्क, ठीक है, रिमार्क के बाद हमारे पास पैसा कहीं से आएगा, चाहे कंपनी से आएगा चाहे कैसे आएगा, उसकी एंट्री तो इन करेंगे, कहीं अगर हम खर्चा करेंगे तो उसको आउट करेंगे। ठीक है, उसको हम आउट में शो होंगे, और लेफ्ट अमाउंट हमारे पास कितना बचेगा उसको हम बैलेंस में यहाँ पे शो करेंगे। ये लगभग हमारा बेसिक फॉर्मेट जो है और बेसिक एट्रीब्यूट्स तैयार हैं। अब यहाँ पे हम जिस डेट में खर्चा करेंगे, ये मंथली एक्सपेंसेस रिपोर्ट है तो इसमें हम उस मंथ को भी शो करेंगे। तो यहाँ पर मैं मंथ कर देता हूँ शो, मान के चलते हैं कि ये मार्च 2020 का है। यहाँ पे मेरे को अब ओपनिंग बैलेंस भी शो करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओपनिंग बैलेंस दिखाया है 5000 रुपीज़ मान के चलते हैं। अब यहाँ पे मैं जो जो खर्चे करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, जो जो मैं खर्चे करूँगा वो जो है ओपनिंग बैलेंस से यानी करता जाएगा और यहाँ पे मेरे को शो होता जाएगा कि मेरे पास अब कितना पैसा बचा है। लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे अवेलेबल कैश भी शो करना है, ताकि मेरे को देखना ना पड़े एक्सेल शीट में सबसे नीचे जाके ऊपर, हम इन्हीं दो ये जो दो रोज़ हैं इसको हम फ्रीज कर देंगे, ताकि हमें एक्सेल ओपन होते ही हमारे पास अकाउंट शो हो जाए कि हमारे पास अभी रियल टाइम में कितना पैसा बचा हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पर हम अवेलेबल कैश कर देते हैं, अवेलेबल कैश, उसे हम यहाँ पे शो करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको जो है फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो इसको मैं ऑल बॉर्डर्स जो है यहाँ से अप्लाई कर दूंगा, और इस वाली रो को मैं ऑल बॉर्डर्स यहाँ पे इसको भी वही सिलेक्ट कर देता हूँ। अब इतना होने के बाद हमें डिटेल्स को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, क्योंकि डिटेल्स में बड़ी बड़ी चीज़ें और थोड़ा लॉन्ग लेंथ की चीज़ें आती है। रिमार्क को भी थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इन आउट और बैलेंस इतना रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें हमें नहीं है, चाहे तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, इसको भी बढ़ा देते हैं। अब सबसे पहले तो हम जो है इसको अलाइन कर देते हैं सेंटर में, क्योंकि इसके अंदर कहीं पे भी हम कोई भी काम करें, जो भी एंट्रीज़ करें वो ऑटोमेटिक अलाइन हो जाए सेंटर में। ठीक है, और हमें सारा का सारा फॉन्ट जो है बोल्ड में चाहिए।
फिलहाल हमने इतना काम कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जो सेल है जिसमें मैंने लिखा था एक्सपेंस रिपोर्ट डिटेल, चाहे तो आप इसको रैप टैक्स कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे रैप टैक्स नहीं करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट साइज को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और ये जो तीन सेल है इसको हम आपस में मर्ज कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही इसका भी फॉन्ट हम इंक्रीज करेंगे और यही सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे। ओपनिंग बैलेंस, इन तीनों सेल को भी हमें क्या करना है, मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देना है। ये काम हमें एकदम कर देना है। और यहाँ पे अवेलेबल कैश में भी यहाँ पे तीन सेल है इसको भी मर्ज कर देना है और फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देना है, जिससे हमें पता रहे कि हमारे पास यहाँ पे अभी कितना कैश बचा हुआ है, ये हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस रो में बैकग्राउंड कलर एक सेट कर देता हूँ, ठीक है। और यही चीज़ मेरे को यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे भी एक कलर सेट कर देते हैं। मंथ वाला सेक्शन है, चाहे तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लीजिए। अगर आपको एक ही कलर यूज़ करना है तो आप एक ही कलर यूज़ कर लीजिए, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ओपनिंग बैलेंस, कैश, और यहाँ पे हम एक ही कलर यूज़ करेंगे, ग्रीन कलर, क्योंकि कैश को ग्रीन कलर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको बना लिया है। अब यहाँ पे हम जो जो डिटेल्स डालेंगे, तो हमें यहाँ पे टोटल भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल बैलेंस, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, इन सेल्स को कर देना है अपना आपस में मर्ज, और इसका भी मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, जिससे कि मेरे को यहाँ पे अच्छे से विजिबल रहे कि बैलेंस अभी हमारे पास कितना लेफ्ट में बचा हुआ है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा बेसिक फॉर्मेट। तो फॉर्मेट तो लगभग हमारा पूरा तैयार हो चुका है, और बाकी अगर इसमें आपको बाद में कुछ ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट की, तो आप उसको अलग से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो सीरियल नंबर्स की एंट्रीज करनी है, तो मैंने यहाँ पे दो सीरियल नंबर एंटर कर दिए हैं, और इनको जो है ऑटो फिल की हेल्प से मैं इसको फिल कर देता हूँ, ठीक है। 20 तक मैंने इसको फिल कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम कुछ एंट्रीज कर लेते हैं, इसमें फॉर्मूला सेट करते हैं, देखते हैं क्या करना है कैसे करना है। फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कैसे करना है आपको काम। अब यहाँ पे डेट में हमें डेट मेंशन करनी है, मैं मान के चलता हूँ 1 मार्च 2020, क्योंकि ये मार्च की रिपोर्ट है, तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि मैंने 1 तारीख को पे टेलीफोन बिल, मार्च का टेलीफोन बिल मैंने पे किया है, ये मैंने कैश पे किया है, ठीक है, जो कि मेरा बिल था 1200 रुपये का, ठीक है, मैंने यहाँ शो कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को बैलेंस में हमारा अमाउंट शो कराना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस इन माइनस आउट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को लेफ्ट अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक एंट्री और कर लेता हूँ, 1 तारीख की मैंने मोबाइल रिचार्ज भी कराया है 1 तारीख को, इसको भी मैंने कैश करवाया है, जो कि 799 रुपये का रिचार्ज है। और यहाँ पे मेरे को लास्ट टाइम फार्मूला सेट करना है, बाद में हम ऑटो फिल की हेल्प से फिल कर देंगे, जिससे कि अच्छे से वर्क करे। टोटल बैलेंस प्लस इन माइनस आउट, आपको कर देना है एंटर। अब यहाँ पे आपके पास लेफ्ट अमाउंट जो है इस तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। इसको अब आपको क्या करना है, ऑटो फिल की हेल्प से फिल कर देना है, जिससे कि आपको बार बार दिक्कत ना आए। टोटल बैलेंस में यहाँ पे आपको इक्वल टू सेलेक्ट करना है, और इसको सेलेक्ट करना है सेल को और एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको टोटल बैलेंस जो है शो होने लगेगा। इसका फॉन्ट साइज मैं इंक्रीज कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमें टोटल बैलेंस शो हो गया है, तो मेरे को यहाँ पे कैश अवेलेबल में भी इसको शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा इक्वल टू टोटल बैलेंस और एंटर, तो यहाँ पे जो है
मेरे को टोटल बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। तो उसका भी मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ जिससे कि मेरे को ईजिली शो हो जाए। जैसे मैं एक्सेल ओपन करूँ सबसे पहले मेरे को पता लग जाए कि मेरे पास कैश इस टाइम कितना बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ एंट्रीज करते हैं। जैसे मैं 2 तारीख की एंट्री करता हूँ, 2 मार्च 2020 को मैंने विड्रॉल किया है 20,000 रुपये विड्रॉल किए थे निकालने के लिए। तो मैंने यहाँ पे इन में इसकी एंट्री कर दूँगा, इन वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इन में एंट्री करते ही देखेंगे आप यहाँ पे मेरा अकाउंट बैलेंस जो है बढ़ चुका है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बढ़ चुका है। इन वाले जो कॉलम है यानी इस वाले कॉलम में आप जो जो एंट्रीज करेंगे वो ऑटोमेटिक इसको ऐड कर लेगा। और ये जो आउट वाला कॉलम है, ठीक है, इस आउट वाले कॉलम में आप जो जो एंट्रीज करेंगे उसको ये माइनस कर देगा। और बाकी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने खर्चा कहाँ किया है, कैसे किया है। ठीक है, वो सब डिटेल्स जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये है टोटल बैलेंस वाला कॉलम। यहाँ पे हमने टोटल बैलेंस तो शो कर दिया, अब हमें ये भी दिखाना होगा कि हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ है। ठीक है, और टोटल पैसा हमें कितना रिसीव हुआ है, तो ये भी तो दिखाना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सभी सेल को सिलेक्ट कर गए और यहाँ पर आपको कैलकुलेट कर लेना है, आपको पता चल जाएगा। चाहे तो आप इसको वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन सेल MPT रहती है। और यहाँ पे जो है आप आउट वाले सेक्शन में पता कर लेंगे कि आपका कितना पैसा जो है खर्च हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमने इसको अभी पता कर लिया है कि हमारे पास कितना पैसा जो है इस टाइम प्रेजेंट है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ तो एंट्रीज जो है हमारे पास 20 ही है। अब मान के चलते हैं कि 50 भी एंट्रीज हो सकती हैं पूरे मंथ में हमारे पास, 100 एंट्रीज भी हो सकती है, 500 एंट्रीज भी हो सकती है। तो ऐसे में जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर का डेटा जो है चल जाएगा, जैसे एक्सपेंस रिपोर्ट, मंथ कौन सा है, अवेलेबल कैश कितना है, हमें जाके बार बार देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन, सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम इसको फ्रीज कर देते हैं। तो इस रो को आपको सिलेक्ट करना है, व्यू में जाना है, फ्रिज पेन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन यानी फ्रिज पेन्स पे क्लिक कर देना है। अब ऐसा करने से होगा क्या, देखिए अगर आप इसको स्क्रॉल करते हैं, अगर आपके पास बहुत सारी एंट्रीज हो जाती हैं तो आपके पास ये ऊपर के दो रोज़ जो हैं शो हो जाएंगी। ठीक है, वो आपकी छुपेगी नहीं, जब जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो हाइड नहीं होगी, आप अपना डेटा जो है अच्छे से यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे। और इसको सेव कर दीजिए Ctrl+S से। ठीक है, ये सेटिंग्स आपकी एक्सेल शीट के अंदर सेव रहेंगी, आप यहाँ पे अपना डेटा जो है बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसको हम पेटी कैश वगैरह भी बोलते हैं, पेटी कैश कैसे मैनेज करना है, ठीक है, एक्सपेंस रिपोर्ट डिटेल्स वगैरह। तो इस तरीके से जो है आप अपनी कंपनीज़ की एक्सपेंस रिपोर्ट जो है बना सकते हैं, चाहे तो अपना पर्सनल एक्सपेंस रिपोर्ट भी इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स पेटी कैश को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो आप सभी इस तरीके से एक्सेल शीट के अंदर अपनी एक्सपेंस रिपोर्ट्स को आप मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप सभी को कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो नहीं किया है, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक, वहाँ पर मेरे को फॉलो जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।